The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. सो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों कैसे हैं आप. आज हम बात करेंगे वेरिकोस वेन और स्पाइडर वेन्स के बीच में. भाई ये वेन वेन क्या है, स्पाइडर वेन क्या है, ये स्पाइडरमैन से निकली है स्पाइडर या वेरिकोस वेन का कोई और एक जुड़वा भाई है, तो बात करते हैं. जिनको नहीं पता वेरिकोस वेन क्या है, अगर आपने किसी बॉडी बिल्डर को देखा है और उसके हाथों में ऐसी मोटी 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 नसें होती हैं, उनको वेरिकोस वेन बोलते हैं. जी हाँ, टेक्निकली बॉडी बिल्डर के लिए तो वो बहुत दिखाने के लिए चीज़ होती है, उसे बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन अगर वही वेरिकोस वेन आपके पैरों में हो जाए और वो उस वजह से हो कि आप बहुत खड़े हो रहे हैं, आपके पैरों में वापस ब्लड का फ्लो सही नहीं हो रहा है, तब दिक्कत होने लगती है. और दूसरा ये जब अगर बहुत मोटी हो जाती हैं वेन्स, तो ज़्यादातर केसेस में उनके बीच का उसके अंदर का वैल्व जो है वो ख़राब हो जाता है. और वैल्व्स होते हैं वेन्स में ताकि खून का प्रभाव एक तरफ जाए, तो एक तरफ जाने की जगह दूसरे तरफ वापस आता है, तो वैल्व जो है बंद हो जाती है. एक तरफ जाता है वापस आता है तो बंद हो जाती है. अब ये वैल्व ख़राब हो जाती हैं तो डबल खून वापस नीचे आके जमा होने लगता है और वो वेन मोटी हो जाती है. अब वेन अगर मोटी हो जाए तो दिक्कत ये आती है, वहाँ बड़ा सा खून जमा होने लग जाएगा और जमा खून क्लॉट हो सकता है. जहाँ पे भी खून रुकेगा ज़्यादा देर तक, क्लॉट होने के चांसेस बढ़ेंगे. अगर खून क्लॉट हो गया तो DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस करके आपके पैर में बड़ा सा क्लॉट बन सकता है. इसीलिए वेरिकोस वेन डेंजरस हो सकते हैं. दूसरा, वेन बड़ा हो के इतनी बड़ी हो सकती है कि आपकी चमड़ी को दबा दबा के उसके ऊपर का स्किन कलर ख़राब होता है, फिर चमड़ी ख़राब होता है, कई बार अल्सर बन जाता है, फिर वो अल्सर जल्दी ठीक भी नहीं होता. वीनस अल्सर बोलते हैं, पैरों में ज़्यादातर होता है, हाथों में ज़्यादा नहीं होता. क्यों? क्योंकि हाथ हम ऊपर कर लेते हैं, हाथ दिल के ऊपर हो जाते हैं तो हाथों से ब्लड फ्लो वापस आ जाता है, पैर तो ज़मीन में नीचे ही होते हैं. तो अगर आपको ऐसा कुछ भी पैरों में हो रहा है, थोड़ा बहुत भी वेरिकोस वेन है, तो वेरिकोस वेन शुरुआती फेज़ में या इवन लंबे फेज़ में जो मेन इलाज है वो है पैरों को दिल के ऊपर लेके जाना. जी, वेरिकोस वेन में प्रॉब्लम है कि वेन में खून भर रहा है, खून वापस नहीं आ रहा, खून हार्ट तक वापस नहीं आ रहा. तो आपका काम है, आप पोजीशन चेंज करिए अपने शरीर की, खून वापस लेके आइए. यही इलाज है. आप वेन को एम्प्टी करेंगे तो वेन से प्रेशर हट जाएगा, फिर खड़े होंगे फिर प्रेशर आ जाएगा. तो वेन को एम्प्टी करके पहले फिर कंप्रेशन रख लीजिए. तो इलाज क्या है वेरिकोस वेन का इलाज? वेन को एम्प्टी करिए, उसके बाद कंप्रेशन बैंडेज बांध लीजिए. एक कंप्रेशन बैंडेज या जो स्टॉकिंग्स होती हैं, कंप्रेशन स्टॉकिंग पहन लीजिए. तो अगर आप ये दो काम इनिशियल स्टेज में करते हो तो एक आधा वैल्व खराब होने के बावजूद आपकी वेन्स मोटी नहीं होंगी, आपको वो आगे का कोई प्रोग्रेशन वाला प्रॉब्लम नहीं होगा. ऑल यू नीड टू डू इज रिटर्न द ब्लड बैक टू योर हार्ट. हाथ ऊपर कर सकते हैं, करते रहते हैं दिन में, पैर ऊपर क्यों नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है? घर में हो कर सकते हो. कैसे करोगे? सीधा जमीन पे या बेड पे लेटिए, पैर को दीवार पे लगा दीजिए, पैर ऊपर आ गया. अब यही काम आपको दिन में 4 बार करना है, 10-10, 20-20 मिनट के लिए बस. और जब उस काम के बाद में खड़े होकर चलने लगें तो कंप्रेशन स्टॉकिंग पहन लेनी है बस. कंप्रेशन स्टॉकिंग के नीचे पाउडर लगा लीजिए ताकि आपका पैर जो है उसमें पसीना ना आए, गर्मी में मत रहिए ताकि वहाँ पे गर्मी ना लगे और वहाँ की स्किन ख़राब ना हो. तो इतना सा करेंगे एडजस्टमेंट तो आप वेरिकोस वेन को कंट्रोल कर लेंगे, वो बढ़ेगा नहीं. अब चाहें कि वेरिकोस वेन जो है वो ख़त्म हो जाए, हमें कोई दिक्कत ना हो, तो उसका कारण ढूंढिए. वेरिकोस वेन का कारण है ज़्यादा देर खड़े रहना, खड़े मत होइए, वेरिकोस वेन ठीक हो जाएंगे या और नहीं होंगे.
दूसरा कारण है इमोबिलाइज रहना या डीप वेन, डीप जो परफोरेटर्स है वो खराब होना। जी हाँ, पैर के अंदर परफोरेटर नाम की चीज़ें होती हैं, वो परफोरेटर अंदर और बाहर की वेंस को कनेक्ट करती हैं। अगर वो ख़राब हो जाए तो अंदर वाली वेंस में बाहर वाली वेन से खून नहीं जा सकता, तो बाहर वाली वेन में प्रेशर बढ़ जाएगा और वो फैल जाएगी। तो वो अगर परफोरेटर ख़राब है तो उसका छोटा मोटा ऑपरेशन होता है या दवा चलती है, दवा और ऑपरेशन करके आप उसकी कोशिश कर सकते हो। सो वेरिकोस वेन का ये बेसिक है। अब अगर बात करें स्पाइडर वेन की, तो स्पाइडर वेन वेरिकोस वेन का ही एक मिनिएचर छोटा वर्जन है। जब कभी आपको एक शरीर के ऊपर ऐसे मकड़ी के जाले जैसे छोटे छोटे वेन्स दिखते हैं जो इतने इतने से होते हैं, ऐसे 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 फैले हुए, ऐसा लगता है क्या ये, तो दैट इज़ अ स्पाइडर वेन। स्पाइडर वेन कई सारी बीमारियों के साइन हो सकते हैं। लिवर की बीमारी सबसे ज़रूरी, लिवर की बीमारी रूल आउट करनी है अगर आपको स्पाइडर वेन दिख रहा है तो लिवर फंक्शन अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, फाइब्रोस्कैन ज़रूरत पड़ी तो, अगर रिस्क फैक्टर है या शक है ज़्यादा लिवर के ऊपर, हेपेटाइटिस सी और बाकी सारे टेस्ट करा दे के देख सकते हैं। तो स्पाइडर वेन वेरिकोस वेन का छोटा वर्जन है। स्पाइडर वेन के लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, उसका कारण ढूंढना है। वेरिकोस वेन के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इनिशियल स्टेज में पैर ऊपर करना, कंप्रेशन स्टॉकिंग या कंप्रेशन बैंडेज, और लेटर स्टेज में अगर उससे बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मोटी हो गई हैं, अब कंप्रेशन स्टॉकिंग से कुछ नहीं होता या टेम्प्रेरी होता है या नीचे वाला पैर सूज जाता है, तो फिर आपको वो वेन निकलवानी पड़ेगी या वेन को सुकड़वाना पड़ेगा। वेन सुकड़वा सकते हैं, वेन को पतली कर सकते हैं थ्रू लेज़र, थ्रू रेडिएशन, थ्रू इंजेक्शन या वेन स्ट्रिपिंग, कई सारे ऑपरेशन आते हैं वेरिकोस वेन के। या आपको पहला जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी आपको मिनिमम तकलीफ में आराम आ जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी इस पे नज़र रखो, जितने लोगों को इसका नॉलेज हो उतना अच्छा। यही हम कर रहे हैं, यही आपको करना है। हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, आपको लोगों को नॉलेज देना है कि भाई ऐसी भी चीज़ होती है। कई लोगों को वेरिकोस वेन के चलते या फिर जो वेन्स में परफोरेटर्स ख़राब होने के चलते पैरों में हो जाती है सूजन, बड़ी बड़ी सूजन। याद रखिए, अगर पैर में खून जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा तो पैर तो सूजेगा ही, पैर तो मोटा ही होगा ना। अगर जा ही नहीं रहा, जाने वाला खून ब्लॉक हो जाए तो पैर काला होने लगेगा, पैर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पैर छोटा होने लगेगा, पैर सिकुड़ने लगेगा, काला होके गैंग्रीन हो जाएगा, मर जाएगा पैर, पैर मर जाएगा। अगर जाने वाले खून में प्रॉब्लम है, आने वाले खून में प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है तो पैर मोटा होने लगे। पैरों में पहले नस सूजेगी, अब वो जरा सा है तो पैर मोटा नहीं हो जाएगा, मगर पूरे पैर में खून जमा हो रहा है तो पानी छोड़ने लगे, चमड़ी के नीचे पानी आएगा, पैर मोटा हो जाएगा। तो अगर पैर मोटे हैं तो पैर का वीनस डॉपलर नाम का टेस्ट कराएं। वीनस डॉपलर, वेन मतलब जो वापस आती है, डॉपलर यानी कलर डॉपलर से उसके अंदर देखा जा सकता है कि कितना प्रेशर है, कितना खून है। खून बहुत ज़्यादा एक जगह, बहुत ज़्यादा एक जगह, थोड़ा सा पूरी जगह, थोड़ा सा एक जगह, बहुत जगह, तो वो बहुत ज़्यादा वाली जगह पे वेल्व ख़राब है, वेरिकोसिटीज हैं। और अगर उसमें क्लॉट बना है तो क्लॉट भी दिख जाएगा। तो वीनस डॉपलर वाला टेस्ट कराएं, उससे क्लॉट भी दिख जाएगा। अगर वहाँ क्लॉट है और वहाँ से टूट के ऊपर निकल गया तो आपके दिल में जा सकता है, दिल से दिमाग में जा सकता है, दिमाग या फेफड़े में जा सकता है, और लंग ख़राब कर सकता है, एकदम से स्ट्रोक कर सकता है दिमाग में जाके, लंग में पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है, जानलेवा हो सकता है। ऐसा पेशेंट तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल आईसीयू और फिर जय माता दी हो सकता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बीमारी बन जाती है अगर इसको समय पर नहीं रोका गया। इनिशियल स्टेज पे वेरिकोस वेन को रोक लें, यही सबके लिए और आपके लिए सबसे अच्छा और भलाई की चीज़ है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का समय और थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। 2 मिनट का समय कंप्रेशन बैंडेज पहनने के लिए और 10 मिनट का समय पैर ऊपर करने के लिए और 2 मिनट का समय इस वीडियो को शेयर करने के लिए। तो अगर आप इसको शेयर करेंगे तो लोग बचेंगे, नहीं तो क्या होगा, डॉक्टरों के पैसे बनेंगे और क्या। तो धन्यवाद, टेक केयर, सी यू टुमारो।